Though the country waits for the results on the 4th, but actual counting begins from the 2nd of June. States like Arunachal Pradesh and Sikkim, which went for the assembly elections along with the Lok Sabha elections, will have their results on the 2nd of June, and I am joined by the Chief Electoral Officer of Arunachal Pradesh, Pawan Kumar Jain. Right. Sain. I'm so sorry. Pawan Kumar Sain. And he has envisaged a different plan of counting. The first thing that struck me was that the counting here in Arunachal Pradesh, though it's a land where the sun rises the first in the country, it gets the first rays of the sun. And going by that, he also has brought the counting timing ahead to 6 o'clock in the morning. So this is possibly a pehli bar, mujhe to sunai de raha hai, desh mein bhi shayad pehli bar ho raha hai, ki kisi state mein counting 6 baje. Ye matlab agar aap Delhi side mein puche to tarke subah hi shuru ho jana hai. Yahan pahari rajya mein aap bol sakte ki log jaldi subah uth jate hain, lekin itne bhi nahi ki 6 baje se hi counting shuru ho jaye. Nahi, ek strategy thi hamari subah 6 baje shuru karne ki. Karan ye tha ki ek to हमें उसी दिन काउंटिंग खत्म करना है. 2 तारीख को हमारे यहाँ पर स्पेशली काउंटिंग हो रही है, बाकी देश में पूरे 4th को होगी, लेकिन 2 को हमारी असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करना है और 2 हमारे लिए बड़ा ही क्रूशियल डे है. 6 o'clock करने का उद्देश्य ये भी था कि हम लोग कम से कम अगर पोस्टल बैलेट की गिनती 6 बजे शुरू करेंगे तो ईवीएम की गिनती शुरू होने तक लगभग 11 और 12 बजे तक हमारे पूरे स्टेट में जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो हमें फिर इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन इश्यू करने के लिए रिक्वेस्ट भेजना होगा और उसी दिन हमें ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट करना होगा हमारी असेंबली और ऑनरेबल गवर्नर को भी उसी दिन हैंड ओवर करना है. इसलिए इट्स अ बिग डे फॉर अस एंड दैट्स व्हाई वी हैव प्लान्ड आवर डे इन अ मच एडवांस स्टेज. सो द असेंबली गेट्स डिसॉल्वड इलेक्टेड एंड द रिजल्ट ऑल इन द सेम डे एंड बिफोर 12 midnight. Everything has to be completed. Yes, yes. That's why you start from the break of the dawn. Right. And in Arunachal, you have already seen that sun rises around 4:30, and so it's not a big late for us. 6 o'clock is each. Everybody is well aware that 6 is in Arunachal is not a very early time. I mean, you are initiating a new tradition. You are initiating a new tradition. So very nice, sir. दूसरी बात है कि आपके यहाँ अगर टेरेन को समझा जाए तो बहुत हॉस्टाइल, बहुत इंटीरियर टेरेन है जहाँ पे काउंटिंग हो रहा है. तो जहाँ पे आपके पास नेट कनेक्टिविटी का इश्यूज है, मौसम भी बहुत खराब है, तो आपको लग रहा है कि बहुत सुचारू रूप से सब कुछ हो जाएगा और यू हैव सम स्पेशल अरेंजमेंट डन फॉर दैट? फॉर्चुनेटली सभी काउंटिंग सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है. बहुत पहले से इसकी तैयारियां की गई थी. हमारे लिए पोलिंग एक चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी पोलिंग पार्टीज बहुत दिनों के चलकर अपनी पोलिंग स्टेशन पे पहुंचती हैं और उनको रिट्रीव करना भी एक बड़ा चैलेंज था. बट दिस टाइम वी वर वेरी सक्सेसफुल इन आवर रिट्रीवल प्लान ऑल्सो. फर्स्ट टाइम वी हैव सीन दैट नो एम्बुश, नो किडनैपिंग, नो टारगेट ऑन ईवीएम. सो इट वॉज अ वेरी पीसफुल एनवायरमेंट ऑन पोल डे. In the same way, we plan for counting also, the 3-tier security cover, then at district levels, all the infrastructures are to be checked and logistics are to be provided. Secondly, first time we are also doing that parallel, simultaneously counting. Like in 25, all our district headquarters, we have 48 counting halls. So constituency wise we will be having our counting, and by 11 or 11:30 we should have our own result. एक चीज यहाँ दिखा, मतलब पिछले कई इलेक्शनों में देखा गया है कि चुनाव के रिजल्ट के बाद यहाँ पे हिंसा भड़का है बहुत बार. 19 में भी देखा गया है. तो आपके लिए एक चुनौती वो भी रह जाता है कि जब तक चुनाव गिनती हो रहा है तो सही है, वंस रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आपके विमसिस के हिसाब से नहीं हुआ तो यहाँ पे हिंसा भर का है. उसके लिए एक आप कह रहे हैं कि 3-tier सिक्योरिटी आपके पास है, एडिशनली कुछ बाहर से मंगा रहे हैं सिक्योरिटी, और क्या कर रहे हैं? हमने एमएचए से भी रिक्वेस्ट किया था 10 मोर कंपनीज टू बी प्रोवाइडेड हियर इन अरुणाचल प्रदेश. इसके अलावा 2-3 और इनिशिएटिव्स हमने लिए काउंटिंग की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और पिछले वायलेंस केसेस को देखते हुए. डीजीपी और लर्नेड चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने भी रिव्यू मीटिंग किया लॉ एंड ऑर्डर को टैकल करने के लिए. 2 बार वो भी मीटिंग हो चुकी है. हाई लेवल
लेवल पे भी सभी डीसी एसपी को आगाह किया गया। इसके साथ साथ हम मैं और मेरी अपनी टीम सीईओ टीम ने भी ये इंश्योर किया कि हम लोग भी बाहर जाएं, देखें और काउंटिंग हॉल्स की पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर एक बार पूरा इस चीज को लेकर रिव्यू मीटिंग करें, और वो मैंने खुद ने भी पूरा ट्रेवल किया है और हर जगह पर जरूरत पड़ी तो हमने आसाम राइफल के साथ वहाँ की जो और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो कमांडिंग ऑफिसर्स उनके साथ आर्मी के साथ इन सबके साथ हम लोगों की भी वहाँ पर मीटिंग हुई, ताकि बाय द वे अगर एट द लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा इशू आता है तो हम किसी और जो अपनी फोर्सेज हैं उनका भी इसमें सहयोग लें। इंटेलिजेंस को भी हम लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हमारे साथ वो आए और अपना जो इन्फॉर्मेशन है इस प्रकार की वो शेयर करें, स्पेशली इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहाँ पर म्यांमार और म्यांमार स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ एनएससीएन वगैरह का जो भी इन्फ्लुएंस रहा है इलेक्शन के बाद भी उसको भी टैकल करने के लिए मैं खुद भी तिराप लोंगडिंग और चांगलांग खुद विजिट किया, आसाम राइफल के साथ वहाँ के एसपी के साथ बैठकर चर्चा की और कैसे हम लोगों को इलेक्शन के बाद काउंटिंग के बाद भी अगर विनिंग कैंडिडेट्स हैं या और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटीज को भी रिव्यू करना है, और वो भी कल लर्नेड चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने मिलकर उस पर भी बहुत बड़ी समीक्षा मीटिंग की। तो आप लोग मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर भी एक सिक्योरिटी कवर देकर रखेंगे? बिल्कुल, उनके ऊपर भी सिक्योरिटी रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला रहे हैं इस बार? वो आप तो जानते हैं आजकल हर चीज को टैकल किया जाता है, और टेक्नोलॉजी के इस दौर में पूरी कोशिश की जा रही है कि अपने जो राडार सिस्टम में जहां पर भी इस प्रकार का कोई परिवेश ऐसा दिखता है कि कुछ चैलेंजिंग है वो हम लोग उस पर नजर रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटेलिजेंस आजकल सभी कुछ में आया है, आपके यहाँ चुनावी मतलब मतगणना के हिसाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तक आप लोगों ने इस्तेमाल भी नहीं लाए? आपको पता है यहाँ पर रोड सबसे बड़ा एक हमारे लिए इस बार का जो सहयोग मिला वो था कि रोड्स कनेक्टिविटी थी, धीरे धीरे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हमारे लिए यहाँ पे एक बड़ी सुविधा की बात होगी। बट अगर इलेक्शन की बात करें तो हम लोगों ने जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनको ट्रैक किया, हमारी जो भी पोलिंग पार्टीज थी जब भी जा रही थी और जहां जाने के बाद भी उनको वेबकास्टिंग के थ्रू हम उनको देखते रहे, जहां जहां पूरे ऑफिसेज में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे सीईओ ऑफिस में भी हमने रखा, और हम पोलिंग पार्टीज पर और इवन मतदान के दिन पूरे जो हमारी पोलिंग स्टेशन से उन पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे थ्रू टेक्नोलॉजी ओनली। जी एक बात है कि 2 तारीख इतने एक्सरसाइज करने के बाद 3 तारीख आप मतलब सही से एक कप कॉफी खत्म भी नहीं कर पाएंगे कि 4 तारीख का तैयारी शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक रह जाएगा आपको एक लीक? नहीं, हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारा होमवर्क बड़े अच्छे से हमने किया है, 2 तारीख के साथ साथ 4 तारीख के लिए भी हमने वैसे ही मतगणना मतों की चुनाव उनकी काउंटिंग के लिए गणना के लिए पूरी तैयारी की थी, और इसके साथ साथ चूंकि पोस्टल बैलेट की गिनती दोनों आरओ तेजू और उसमें आलो में ही होनी है तो उसके लिए भी हमने इलेक्शन कमीशन से पहले से अपनी परमिशन ली और एक अलग हॉल हमने तैयार किया दोनों जगह पे, ताकि क्योंकि आप देखिए कि वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में अराउंड 24,000 पोस्टल बैलेट्स हैं और तेजू में 16,000 के आसपास पोस्टल बैलेट हैं, तो उनके लिए हमने अलग से एक हॉल की तैयारी की, 14 टेबल्स वहां पर रहेंगी और एआरओज का हमने परमिशन लिया, हर एक टेबल पर एक एआरओ होगा, तो हमारी तैयारी जैसी 2 की है वैसी ही 4 के लिए है, और बाय आफ्टरनून आई थिंक वी विल बी थ्रू। तो आप लोगों ने इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे रिकॉर्ड भी किए हैं, मतलब नेशनल लेवल पे वो पैसा के हिसाब से हो या आर्म लाइसेंस के हिसाब से, तो कितने आर्म लाइसेंस आपने जिम्मा में लिया? देखिए इलेक्शन कमीशन की जब बैठक हुई थी सीईओ कॉन्फ्रेंसेस में तो हमने जो भी हमने प्रोमिसेस किए थे, जो भी हमारी तरफ से जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो कमिटमेंट था वो जितने किए वो हमने इस बार पूरे किए, चाहे वो 100% लाइसेंस्ड आर्म्स को डिपोजिशन का हो, चाहे फिर प्रिवेंटिव एक्शंस का हो, चाहे फिर अगर हमें लगा कि ऐसे कई सारे अनवांटेड जो चीजें जो होती थी उनको अरेस्ट करके बैठाना है तो वो भी हमने किया, 200 से ज्यादा लोगों की अरेस्ट हुई, 7,000 से ज्यादा से लोगों को हमने बाइंड डाउन करके प्रिवेंटिव एक्शंस को मजबूत बनाया,
100% लाइसेंस हम को डिपॉजिट किया। ये ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से काफी सहायता हमें मिली। साथ में लिकर पर पूरी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बैन किया गया। इसके साथ साथ 18 करोड़ के आसपास हमारा टोटल सीजर रहा। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने नाकाज लगाए, 400 से ज्यादा नाकाज थे जो पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी जो टीम थी उन्होंने काम किया। एक प्रथा था, आखिरी सवाल, एक प्रथा था कि जिस दिन मतगणना होना होता है तो ईटानगर के सारे दुकानें बंद रहते हैं और यहाँ के लोग खान पान के लिए भी सामने आसाम के बॉर्डर तक पहुंच जाते, यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं होता है, प्रिवेंटिवली लोग खुद ही बंद कर लेते थे। इस बार का सिनेरियो क्या होगा? नहीं, पहले चूंकि ज्यादातर वोटर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के होते थे और बाकी अगर आप कंपेयर करें देश के अन्य भागों से तो यहाँ पर वोटिंग हमारे लिए सेलिब्रेशन है और हर एक व्यक्ति अपना वोट का अधिकार जानता है और उसको देने के लिए उसको कई किलोमीटर कई घंटों तक पैदल चल के भी जाना पड़ता है तो जाता है। तो ज्यादातर लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट से आकर ईटानगर में रहते थे वो लोग अपने अपने एरिया में अपनी अपनी बस्ती में जाके वोट देने जाते ही हैं, इसलिए बड़ा सुनापन सा लगता था। लेकिन ईटानगर में भी इस बार अच्छी वोटिंग हुई और यहाँ पर 80% से ज्यादा हमेशा वोटिंग होती है। काउंटिंग के दिन भी लोग यहीं रहेंगे, दुकान खुला रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसकी वजह से किसी को भी डर या भय की वजह से अपना काम रोकना पड़े या दुकान बंद करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एसिल चीफ इलेक्टोरल अफिसर अरुणाचल प्रदेश, तहते क्या मते देश प्रथमवार फर्स्ट टाइम इन द कंट्री मतगणना पुवा 6 बजार पर आरम्भ, तार माने गुवाहाटीत आपुनी मय जेते खुइ उठि साह काप खाम तेतिया लेके होयतु एटा आभास मानुहे गमै पाइ जाबो जे अरुणाचलर राजनीतिक परवर्ती सरकार कोने बनाबो, कोन पार्टी आगबाही आसे आरो दुपरिया 11 साढ़े 12 लेके गुटे मतगणनार प्रक्रिया शेष होय प्राय आपुनार अधिसूचना जारी कर दिया हब, कारण दुपरिया राति 12 बजार आगलैके नतुन जी सरकार बा जिखन एसेम्बली हे एसेम्बलीखन गठन करार अधिसूचना इयार पर दिब लागिब। हेबाबे रातिपा 6 बजार पर एक नतुन प्रथा सूर्य उदय प्रथम भारतवर्षर सूर्य उदय देशखनर पर आरम्भ हैछे। केमेरामेन संजय बरा हते मय नीलय भट्टाचार्य, न्यूज 18 असम नर्थ ईस्ट।